हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिज रस। तो मेथी की भुजी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मेथी की, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ईजी है। तो आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल ले लिया, यानी सरसों का तेल, और इसमें डाला है मैंने 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग। और ये लिए मैंने मेथी। मैंने मेथी का पूरा 1 बंच लिया है, तो मैंने इसे अच्छे से काट के और धो लिया था। अब आप इसे मिला लें। मेथी को आपको अच्छे से धोना है और आपको कट करना है। थोड़ा मोटा भी काटेंगे वो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे अच्छे से मेथी कट करनी है। अगर थोड़ी मोटी भी कटेगी तो वो भी चल जाएगी। अब वहाँ पे इसे मिलाकर और थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से ढककर रख लें। गैस आपको यहाँ लो फ्लेम पर ही रखनी है। बस मेथी को हमें हल्का सा गलाना है। इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में ये मेथी गल के आपकी तैयार हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 बंच मेथी ली थी और वो बनकर कितनी थोड़ी सी हो गई है। अब आपको जब आपकी मेथी गल जाए, इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। अब उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ 1/2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया, दोबारा से मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसमें मैंने 4 से 5 काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा। यहाँ मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, इनको भी आप इसमें डाल दें और इन सब चीज़ों को भून लें। अब यहाँ मैंने लिए हैं 7 से 8 काजू, ये ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ी सी हमें ये थोड़ी सी रिचनेस देने के लिए इस ग्रेवी में, इसलिए मैंने ये काजू का यूज़ किया। अगर आपके पास हैं तो आप डालें, अदरवाइज़ काजू को रहने दें। यहाँ मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, इसको भी डाल लें और आप इसे भून लें। टमाटर को हमें थोड़ा सा गलाना है। आप चाहें तो इसे ढक के गला सकते हैं और चाहे तो आप इसे खोलकर भी चलाते हुए गला सकते हैं। बस हल्का सा इसको हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है। और आप इसे जब इस आपके टमाटर गल जाएं तो गैस को बंद कर दें और मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने दें। उसके बाद हमें ये मसाला मिक्सी में पीस कर इसका एक पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ लिया है मैंने 2 चम्मच के करीब देसी घी। अब मैं इसे घी में बनाऊँगी, तो ये पेस्ट पीस के आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब आप इसे इसमें डाल लें। इस सब्जी में देसी घी का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप देसी घी नहीं लेना चाहते तो आप बटर भी ले सकते हैं, और आप ये दोनों चीज़ नहीं लेना चाहते तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन बटर या देसी घी में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब यहाँ मैंने लिए 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 2 से 3 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अगर ज़्यादा खाते हैं थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब थोड़ा सा मिला लें इसे। एक से दो मिनट के लिए इन मसालों को इसमें मिला लें पेस्ट में। अब ये मैंने 1 चम्मच लिया है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होता है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। इसे भी मिला लें आप अच्छे तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च से कितना अच्छा कलर आया। अब उसी मिक्सी में, क्योंकि थोड़ा सा पेस्ट रह जाता है तो मैंने उसी मिक्सी में पानी ले लिया था। अब पानी को आप इसमें डाल लें और अब इस मसाले को आप भून लें। मसाला हमें जब तक भूनना जब तक कि हमारा तेल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें जो मेथी हमने पहले से भून के रखी हुई थी वो डाल दी। अब आप इसे मिला लें इसमें। आप चाहें तो मेथी के 2 बंच भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने 1 ही बंच लिया है। अगर आप मेथी थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप यहाँ 2 बंच ले सकते हैं मेथी का। ये लिए हैं मैंने 100 ग्राम के करीब हरी मटर, इनको मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। आप मटर को यहाँ बॉईल कर ही डालें, कच्ची ना डालें। अब आप इन चीज़ों को अच्छे से मिला लें। पहले मसाले में मेथी और मटर दोनों को अच्छे से मिलाना है।
अब यहाँ मैंने पानी लिया, यहाँ पानी में बॉयल ले रही हूँ, गर्म पानी है ये, आप मिला लें। पानी आप अपने अकॉर्डिंग लें कि आपको कितनी ग्रेवी पतली या थिक रखनी है, उसी हिसाब से आप पानी डालें। तो यहाँ मैंने एक बाउल के करीब पानी ले लिया, अब आप इसे मिलाकर और 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं और यहाँ सब्जी भी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। बस थोड़ी देर के लिए इसे आप मिला लें और आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी तैयार है। जब आपकी तैयार हो जाए सब्जी, तब उसमें मैंने यहाँ 1 कटोरी के करीब ये घर की ताजी मलाई ली है। अगर आपके पास क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ताजी मलाई हो तो वो ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसको इसमें डाल दें। मलाई इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मलाई से जो इसका फ्लेवर आता है और जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ लिया है मैंने 1/2 छोटी चम्मच के करीब ये गर्म मसाला, अब आप इसे भी डाल दें। मलाई और गरम मसाला आप तभी यूज़ करें जब आपकी सब्जी पूरी बन के तैयार हो जाए। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर रखा है और आप ये देख सकते हैं कि सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ मैंने गार्निश के लिए थोड़ी सी मलाई ऊपर से डाल दी है और आप इसे पूरी, पराठे या रोटी, नान के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप इसके साथ जब भी बनाएं तो नान या पराठा बनाएं, उसके साथ ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इसे ज़रूर बना के देखें। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए।